अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वन वीक हो गया व्लॉग नहीं आ रहा और आप लोग भी परेशान, मैं भी परेशान, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए परेशान हूँ। आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ यूट्यूब पर आने वाला है। वो सारा जो डिटेल है ना, मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊँगा जब अपना लैपटॉप लेकर बैठूँगा। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, व्लॉग नहीं बना रहा था। मैंने कहा वो अपना काम कंप्लीट करता हूँ फिर व्लॉग बनाऊँगा। आज मौसम बहुत ही अच्छा है इसलिए मैंने कहा आज व्लॉग बनाना मस्त है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन पर उंगली फोड़ें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करना ताकि जो वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। व्लॉग भी 3:30 बजे स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैं अपना काम कर रहा था, काम में बिजी था, इस वजह से काफ़ी लेट व्लॉग स्टार्ट किया। और आज जो माशाल्लाह मौसम जो हो रहा है ना, बहुत का मतलब बहुत ही अच्छा हो रहा है। कल बारिश हुई, मैं सोचा था कि व्लॉग बनाऊं बट मैं काम कर रहा था तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाद बनाऊंगा, लेकिन बिल्कुल भी हो नहीं सका, टाइम ही नहीं मिला मुझे अपना काम करते करते। इस वजह से मैंने कल का व्लॉग नहीं बनाया था। और अभी मैं जा रहा हूँ शावर लेने और कपड़े चेंज करने। कपड़े चेंज करने के बाद अपने लैपटॉप में बैठूंगा तो फिर मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स वगैरह वो बताऊंगा। फ्रेश वगैरह होकर मैं फारिग हो चुका हूँ। अब मैं जल्दी से अपना लैपटॉप निकालता हूँ और फिर आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ। रूम से मैंने अपना लैपटॉप उठा लिया, अब जल्दी से मैं लैपटॉप निकालूँ। और एक और चीज़ है, वो स्क्रिप्ट तो मैं ले कर ही नहीं आया, वो मैं ले कर रहा हूँ, वो मैंने पूरा लिख के रखा हुआ, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। मेरा चलते हैं रूम में, लैपटॉप निकालता हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। खोलो खोलो उसको जल्दी जल्दी, अभी खुला खुला माउस चार्जर सब चीज लगा के बैठना पड़ता है वरना तो कुछ काम ही ना हो। ऑन हो गया, अब इसको करते जल्दी से ओपन। लैपटॉप ओपन हो रहा है, मैं आप लोगों को सारी डिटेल बताता हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरा हेयर बहुत ज़्यादा ही ख़राब है तो इसको मोबाइल को इधर रख के इसको मैं मेरा बटबैंड ले कर घूम रहा हूँ हाथ में, क्योंकि हेयर ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है और आज जाना भी है। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ फिर बताऊँगा कि आज मुझे कहाँ जाना है। ओह फाइनली भाई, पता नहीं सही लग रहा है नहीं लग रहा है, वो मैं बाद में क्लिप देख लूँगा। और कब लैपटॉप भी ऑन हो चुका है, जल्दी से मैं आप लोगों को बता दूँ। इसकी सबसे पहले मैं ब्राइटनेस तेज कर लूँ। तो चले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस चीज़ की इतनी बेताबी थी मुझे आप लोगों को बताने के लिए। तो वो ये था कि हम लोग शॉर्ट फिल्म बना रहे और जो फिल्म है वो लव स्टोरी पर है, बहुत ही मज़ा आने वाला आप लोगों को। और ये जो फिल्म है ये अपलोड होगा पाकिस्तानी हम्माद के चैनल पर, जो मेरा मैनेजर है मेरे साथ काम करता है उसके चैनल पर अपलोड होगा। बहुत ही इंजॉय करेंगे आप लोग, हम लोगों ने बहुत मेहनत से लिखा है वो। इसकी कल पहली शूटिंग होगी, मैं इंशाल्लाह BTS बनाऊंगा, इसका पूरा व्लॉग वगैरह सब चीज़ बनेगा उसमें, आप लोग देखना। बहुत ही आप लोग व्लॉग भी इंजॉय करेंगे क्योंकि किसी भी चीज़ की शूटिंग करो ना उसमें बार बार करवाना दूसरे से बहुत ही मज़ा आता है। तो कल वाले व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है जो कल बनेगा। अभी मैं आप लोगों को उसका चैनल दिखा देता हूँ, तो आप लोगों ने लाजमी जाकर उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि, और नोटिफिकेशन भी लाजमी ऑन करना है जैसे ही उसके चैनल पर अपलोड हो और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग वो फिल्म इंजॉय कर सके। वो लव स्टोरी पर है और उस पर हम लोगों ने रैप भी लिखा है। अभी रैप की थोड़ी सेटिंग वगैरह चल रही है, उसमें अभी कुछ मिस्टेक वगैरह तो वो चेंज करना है, अभी काफ़ी ज़्यादा काम है। लेकिन कल फर्स्ट शूटिंग होगी उसकी, मैं आप लोगों को लैपटॉप में उसका चैनल दिखाता हूँ, तो आप लोग जाके लाजमी सब्सक्राइब करें और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। देखिए ये चैनल है पाकिस्तानी हम्माद, इस चैनल पर अपलोड होगा। इसने कुछ वीडियोज़ वगैरह अपलोड की हुई है, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो है, ये भी व्लॉग बनाता है, तो इसके चैनल पर ही ये फिल्म अपलोड होगा लव स्टोरी वाला। और
इसके बाद जो होगा ना मेरा फिल्म शूट होगा उसमें है आप लोगों को टॉपिक मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ अभी, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ, वो पूरी मेरी रियल लाइफ होगी कि मैंने कैसे यूट्यूब स्टार्ट किया, क्या परेशानी थी, तो वो अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम है, ये हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से शूट हो और उसके बाद एडिट हो जाए। माशाल्लाह हम लोग खुद एक एडिटर है, हमाद मेरे से ज़्यादा बड़ा है, बहुत अच्छी एडिटिंग वगैरह करता है वीडियो, तो उसने कहा है मैं कोशिश करूँगा कि 1 वीक के अंदर ही अंदर इसको मैं एडिट करके अपलोड करूँ, तो फिर उसके बाद मैं अपनी फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट वगैरह तैयार करूँगा हमाद के साथ मिलके, फिर मेरी शूटिंग होगी। मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, बहुत मेहनत से लिखा, ये तकरीबन 5 से 6 पेज है, तो मैं आप लोगों को ये ओपन करके दिखाता हूँ। हमाद ने मुझे मना किया था कि अभी किसी को बताना नहीं है और ना ही ये कोई पेज वगैरह दिखाना है, लेकिन मैंने हमाद को कहा नहीं यार मेरे सब्सक्राइबर से कोई चीज़ छुपनी नहीं चाहिए, मैं जो करता हूँ अपने सब्सक्राइबर को बताता हूँ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है बताना। तो हमाद भाई सॉरी, मैं इन लोगों को ये दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा दिखाऊंगा, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, तो आप व्लॉग देख रहे तो इग्नोर मारना, बाकी बाद में मिलना तो मार लेना एक दो थप्पड़ चलेगा। ये देखिए ये रही सारी चीज़ें लिखी हुई है इसमें, ये रहा 1 पेज, कहाँ गया, ये देखें, ये रहा 2, इतना फोल्ड करके रखा है मैंने पूरा ख़राब हो रहा है, ये रहा 3, और ये आई थिंक ये एंडिंग पेज है, और उसके बाद ये रहा, ये मेन चीज़ ओपनिंग पेज है, तो आप लोग ज़्यादा नहीं देखें, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये जैसे ही अपलोड होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ अपने लैपटॉप में थोड़ा सा काम करने, तो फिर काम करके फारिग होता हूँ। फाइनली मेरा काम वगैरह कम्प्लीट हो चुका है, मैं जल्दी से अपना लैपटॉप ऑफ कर दूँ क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है, तो जल्दी से इसको ऑफ करके रखते, जल्दी हो जाओ 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 जल्दी जल्दी पैक। हाँ नहीं, ये पैक हो चुका है, इसको मैं अपने रूम में रखूं और इसको भी मैं अपने जगह पर रख दूं कहीं ये घूम नहीं जाए, और कल जो शूटिंग होगी ना, ये लाइट किसने ऑफ किया हुआ है सारा, वो कल ये सीन है कि कल भी दावत है, सारे घर वाले जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, मैंने मना कर दिया कि मुझे काम है मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग चले जाना, आज भी दावत है, आज सिस्टर ने दिया है, तो आज जाना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, सारे घर वाले जाएंगे तो देखते हैं सिस्टर कहाँ बुलाती हैं। सबसे पहले तो मैं अपना बैग रख दूँ, मैं रेडी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, मुझे रेडी भी होना है, ये सबसे अच्छी बात रहेगी ना कि घर में कोई भी नहीं होगा तो अच्छे से काम हो जाएगा, सारी शूटिंग वगैरह अच्छे से हो जाएगी। अभी टाइम हो रहा है 7:15 का, मैं और 8 बजे तक जाना है, सिस्टर ने कहा मैं बता दूँगी, घर पर नहीं है वो, कहीं बुलाएंगी तो देखते हैं वो कहाँ बुलाती हैं, तो अभी मुझे कुछ थोड़ा सा काम है, मैं उधर जा रहा हूँ, उधर से आने के बाद रेडी वगैरह होगा, फिर देखते हैं कि किधर जाना है, फिर चलेंगे। फारिग हो चुका हूँ मैं काम से, अब मुझे जल्दी से रेडी होना है क्योंकि घर वालों की कब से कॉल आ रही है, जल्दी आओ, रेडी हो, हम लोग रेडी हैं, सिस्टर लोग भी आ गए हैं, तो जल्दी से रेडी होता हूँ। रेडी होकर बिल्कुल सीढ़ी के सामने खड़ा है, इसको बहुत ज़्यादा जल्दी है, और बच्चे अंदर हैं, मैं उनसे मिलवाता हूँ। उमर हेलो करिए, हेलो हेलो, सागर इधर खड़ी हो चुका है, ऐशा हेलो 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 ऐशा जल्दी से हेलो। खान भी रेडी होकर मामू के गोदी में आ चुके हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं, सारे नीचे जा चुके हैं, इसको मैं गोदी में लिया हूँ और सारे बच्चों को, ये लोग भी मेरे साथ ही जा रहे हैं, चलो चलो जल्दी जल्दी। तो क्या कर रहे, क्या चाहिए, खेल रहे गया, आ चुके अभी इतने में तो ऑर्डर देंगे आयशा के साथ, बताइए आयशा क्या खाना आपने, मुझे ना फ्राइज चाहिए, चलो अभी मुझे फ्राइज मंगाते। ये छोटू भी आ चुका है मामू के पास, इसको मैंने पहले ब्लॉग में नहीं दिखाया था क्योंकि ये आया हुआ नहीं था, ये भी आया, हम लोग पहुँचे हैं तो के लिए आइसक्रीम मंगवाए उमर को खाना था, खा लो आइसक्रीम उमर, अच्छा नहीं 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 ये खाओ आप आइसक्रीम, आप अपना अकेला आइसक्रीम खाओ, खा लो ओके, ये कैसे खा, स्पून देगा गंदे बच्चे, खिलाओ स्पून,
सबसे पहला ऑर्डर इसी का था, आइसक्रीम। चार बिरयानी का प्लेट, चिकन बिरयानी, एक ये मलाई टिक्का, एक जिंगर बर्गर, ये वाला जिंगर, किसी बैठे आप तीन खसी वाले, एक जिंगर, एक फ्राइज, एक फ्राइज चाहिए, छः पराठा, पराठा दीजिएगा, सही है, आपके दिक्कत हैं। एक मलाई खाना वगैरह ऑर्डर दे चुके हैं और इधर लगा हुआ है झूला, तो बच्चे तंग कर रहे थे, मैंने कहा चलो बच्चों को झूला ही झुला लो, जब तक खाना आएगा तो इन लोगों के साथ थोड़ा इंजॉयमेंट हो जाएगी। ले रहा हूँ मैं, इसके घर में भी है तब भी इसको सकून नहीं, कोई है नहीं पापा के साथ, तो पापा बच्चों को झूला झुला रहे, उमर अभी झूले में बैठा हुआ है और पापा उमर को इंजॉयमेंट करवा रहे हैं, उमर सामने बैठा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फैमिली करिए, इस वजह से मैं कैमरा घुमा रहा नहीं हूँ, खबर उमर आ रहा है, आप तो बिठाएंगे ना मामू, एक मिनट रुको, ये जिद करे इसको बैठना होगा, तेरा उमर ये झूले में बैठा हुआ। रेस्टोरेंट में टेरिस में बैठने का होना तो वो रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, सुकून मिलता है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, बच्चे इधर अपने एंजॉय कर रहे हैं और जो खाने का जो सेटअप है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है, तो अभी ये लोग जैसे ही खेलने फिर जाएंगे। ये ध्यान तंगर है, ये रही आयशा और ऋषि, ये दोनों पापा को तंगर है, पापा ये खड़े हैं उमर को लेकर झूला झूला रहे हैं। इधर इधर आयशा, इधर से आइए आयशा, इधर से आइए, बात सुनिए, बैठो 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 आराम से बैठो। तो मैं ले लेकर थक चुका हूँ, ये भी जिद कर रहा बोला झूले में जाना, लेकिन मैंने कहा नहीं सारे इधर बैठे मैं उधर ही जाते क्योंकि खाना आने वाला। जितना भी ऑर्डर दिया ये सिर्फ आश्रय, अब इसके थोड़ी देर बाद चाली डाक रखेगा, अभी खाना आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, जब तक यही खा के गुजारा करते हैं। तो सारे बच्चे आ चुके खाने के लिए, अभी ये लोग आयशा खाती है चिप्स, वजह से आयशा की वजह से चिप्स मंगवा रहे हैं, खाने खाना वगैरह आ चुका है और अब जल्दी से खाते हैं, देख कर तो बिल्कुल भी सबर नहीं होता और ख़ास तौर पर ये सारी चीज़ों के बिल्कुल भी नहीं होता, जल्दी से खाना खाता हूँ फिर उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। खा पी कर फारिग हो चुके हैं, आया फुल था और अब बिल्कुल पूरा खाली हो चुका है, सब खा पी कर फारिग हो चुके हैं और बिल भी आ चुके हैं, जब खाया है तो बिल भरना पड़ेगा, तो बिल देखते हैं, प्राइस तो नहीं बताऊँगा लेकिन देख लेता हूँ। आप ही घर फारिग हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं सीधा घर, घर पर पहुंच चुके हम लोग सब और जितने भी बच्चे थे वो सारे अभी जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने तंग किया इस वजह से मैं व्लॉग वगैरह एंड नहीं कर रहा था, मैंने कहा बाद में करूँगा, और जो कल वाला जो व्लॉग है वो BTS व्लॉग होगा फिल्म शूट का, तो लाजमी देखना आप लोग, अभी नहीं अपलोड होगा परसों, कल बनाऊँगा मैं, तो कल वाला व्लॉग आप लोगों ने मिस नहीं करना है, वो कल बनेगा तो परसों फिर अपलोड होगा, ये वाला व्लॉग अपलोड हो जाएगा, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट है, क्योंकि न्यू चीज़ें आ रही हैं आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दिया करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।